और अभी कुछ पिंडी बॉय की बात करते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि मुल्क में एक खास साजिश की जा रही है, कुछ अनासर मुल्क को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। ये वक्त दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा सख्त है, इस पर सियासत न की जाए। आए हम मिलकर बहरान से मुल्क को निकालें। विफाकी वजीर की नाराज दोस्तों को सुलह करने की भी दावत। क्योंकि इस मुल्क में एक खास साजिश की जा रही है तबलीगी जमात के खिलाफ और जायरीन के खिलाफ। ये वो मुल्क के दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते और जो लीडरशिप जो है कीड़े निकाल रही है लैपटॉप के आगे बैठकर। उनका वक्त ख़त्म हो चुका है और अगर ये टाइगर फोर्स और ये असास प्रोग्राम और ये कफालत प्रोग्राम और जो पंजाब ने 4,000 रुपए देने का फैसला किया है ये हमने सही तौर पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मौजूदा हुकूमत में उसकी कारकर्दगी में एक और स्टार लगेगा और ये हादसात में ही क़यादत का पता लगता है, इम्तहान में ही क़यादत का पता लगता है। और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें खुदा के फजल से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं। देखें मैंने पीएम साहब से पीएम की मीटिंग में कोर कमेटी में कल बात की है, मेरा बात करने का अंदाज है, मैं चाहता हूँ सबके साथ सुलह हो।